नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि यूपी की आज जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं। यूपी के मौसम के बारे में कुछ ऐलान है और उसी के साथ साथ में फ्री राशन को लेकर काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। तो यूपी योगी सरकार की तरफ से जो भी ऐलान बड़े घोषणाएं हैं उन सभी को जानेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में लगातार बढ़ रही है गर्मी, चार दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। जी आपको बता दूं, यूपी के अंदर जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, चार दिन बाद मौसम फिर से बदलेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है जिसमें मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई है कि 19 और 20 मार्च को बारिश हो सकती है। हालांकि अभी तापमान लगातार बढ़ रहा है, न्यूनतम तापमान भी बदला है। जी हाँ, अभी आपको मौसम में थोड़ी सी बदलावट देखने को मिलेगी और कुछ समय बाद मौसम वापस से सामान्य हो जाएगा। और हाँ, बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो 19 और 20 को बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्री राशन वितरण आज से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, स्टेट तक मिलेगा गेहूं, चावल और बाजरा। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि फ्री राशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें शुक्रवार से शुरू हो गया है और इस बार 29 मार्च तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा। जिले की राशन में जितनी भी दुकानें हैं उनके लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित भी कर दिया गया, जिससे आप अपना राशन जाकर ले सकते हैं। और आप सबको बता दें, 15 से 29 मार्च तक आपको राशन मिल पाएगा, जिसके अंदर 14 किलो गेहूँ, 41 किलो चावल और 7 किलो बाजरा प्रति कार्ड द्वारा दिया जाएगा। और इसके अलावा बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ से गुजरेगी 8 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें, कहां कहां रुकेंगी, बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, 8 जोड़ी स्पेशल जो ट्रेनें हैं वो लखनऊ से गुजरने वाली है। ये ट्रेनें बिहार, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के बीच चलेगी। सभी ट्रेनें लखनऊ होकर आवागमन करने वाली है। ये इसीलिए चलाई गई है ताकि जो लोग आने जाना चाहते हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो, उसी के लिए शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा। ईडा के 8 भूखंडों पर होगा 86 करोड़ का निवेश, 600 लोगों को मिलेगा रोजगार। आपको बता देना चाहता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ईडा ने अपने 8 संस्थान भूखंडों के ई ऑक्शन के लिए 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि प्राप्त की है, और जिसमें 86 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें लगभग 600 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और अगर 600 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है कि इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब स्टेडियम में दिखे अमिताभ बच्चन, फैंस हुए हैरान। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका लेटेस्ट वीडियो सामने है जहां पर वो ISPL के एक मैच के दौरान पहुंचे। बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टिक सर्जरी हुई है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया क्या हुआ है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है अभी उसी के मुताबिक ये खबर आपको दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से चलेगी, बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी आपको बता दूं, लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से चलने वाली है, जिसमें रेलवे ने गुरुवार को इसका किराया भी तय कर दिया और बुकिंग भी शुरू हो गई है। यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। और इसका जो किराया आपको बता देता हूँ, अगर आप इसके लिए गोमती से लेकर इसका किराया क्या होगा आपको बता दूँ, जिसमें पटना का जो चेयर कार है उसमें 1465 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी 2700 रुपये, अयोध्या के लिए 545 है और एग्जीक्यूटिव क्लास 1040 है, और बनारस की बात करें तो 865 है और एग्जीक्यूटिव क्लास की 1680। आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, एक बार पोज कर पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ये किराया रहने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को तगड़ा झटका मिल गया है, जिसमें 2 पूर्व राज्य मंत्री और कई पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप सबको पता है 20 बार देखा जाए तो सभी लोग भाजपा में ही जा रहे हैं, जिसमें बसपा को काफी बड़ा झटका लगा है, जिसके अंदर 2 पूर्व राज्य मंत्री जिसमें अक्षेत लाल निषाद और वैसिद्ध गोपाल साहू ने अब पूरा का पूरा मामला बदल दिया है, जो कि अब भाजपा में चले गए हैं। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जिसमें RO AR O की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आपको बता दें, एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है। अजय ने सुबह 7 बजे ही लीक कर दिया था पर्चा, कुछ देर में वायरल हो गया था। जी आपको बता दें, RO और AR O की जो परीक्षा हुई थी उसके लिए जो पर्चा लीक कराने में शुक्रवार को एक बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला को पकड़ लिया गया। जी हाँ, दोनों ने पुलिस से पूछताछ में कई अहम खुलासे में पर्चा सुबह ही लीक कर दिया गया था। चलिए इसी के साथ बात करते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दुश्मनों के ड्रोन को खत्म कर देगा कानपुर IIT का वज्र, रक्षा मंत्रालय ने दिया 200 करोड़ रुपए का बजट। जी आपको बता दें, भारतीय सीमा पर मंडराने वाले दुश्मनों के जो ड्रोन है अब उसको IIT कानपुर का वज्र न सिर्फ उसे खोज निकालेगा बल्कि जैम कर देगा, जिससे दुश्मनों के नापाक इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। और यही जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो विकसित किया गया जो IIT कानपुर के स्टार्टअप BBBS बिग बैंग
बूम सॉल्यूशन ने, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने स्टार्टअप को 200 करोड़ रुपए का फंड भी प्रदान कर दिया, जिसकी मदद से स्टार्टअप सेना व एयरफोर्स के लिए 50 वर्ष तैयार कर सौंपने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशनरों के लिए योगी सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट है होली पर। जी हाँ, डीए में 4% बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यूपी के अंदर जितने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूपी पेंशनर है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, योगी सरकार की तरफ से डीए के अंदर जो महंगाई भत्ता होता है उसके अंदर 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब को 2 लाख का जो इनामी अमन स्कोडा बनारस में कर रहा था मौज, चाय पीने निकलते पुलिस ने दबोचा। जी हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको पता ही होगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों की ठगी समेत 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित 2 लाख का इनामी अमन स्कोडा वाराणसी में मौज कर रहा था। शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने भेलपुर थाना क्षेत्र के रविंद्रपुरी इलाके से उसे दबोच लिया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए के बाद अब बेसिक सैलरी में हुआ 17% का इजाफा। जी आपको बता दें, LIC के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए खुशखबरी देखने को मिल रही है, जिसमें मोदी सरकार ने LIC के कर्मचारियों के लिए जो बेसिक सैलरी होती है उसमें 17% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी ने MMUT में छात्रों को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन, बलरामपुर में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। जी आप सबको बता दें, सीएम योगी ने MMUT के अंदर छात्रों को एक तो टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और उसके बाद बलरामपुर में उन्होंने माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सांड के हमले में नगर निगम को देना होगा मुआवजा, जाने फोरम का ये क्या फैसला। जी आपको बता दें, गोरखपुर के अंदर हदीसुल निशा को वर्ष 2017 में सांड ने पटक कर घायल कर दिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, और इसे लेकर नगर निगम में पूरा एकदम हंगामा सा हो गया था सदन में। जी हाँ, जो फोरम ने नगर निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, तो उसके ऊपर अब घूमने तक आने वाले समय ऐसा नियम देखने को मिले, और इसमें आपको बता दें नगर निगम को 80,000 रुपये हदीसुल निशा ने परिजनों को देने का आदेश सुनाया था। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम के शहर में सड़क बनेगी विरासत, गलियारा चौड़ाई बढ़ाने के साथ होंगी ये काम। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से पांडे हाता तक सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर शासन ने अंतिम मोहर लगा दी है, और सबसे बड़ी बात है सड़क चौड़ी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे से। और आप सबको बताया, अगर सड़क चौड़ीकरण हो जाएगी तो सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की पहली सीधी ट्रेन को हरी झंडी। जी हाँ, अयोध्या धाम से जनकपुर तक चलेगी। आपको बता देना चाहते हैं, अयोध्या धाम से गोरखपुर के रास्ते नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने प्रारंभिक रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे को समय सारणी भेजने को कहा है, तो आने वाले में एक नई रेल देखने को मिलने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीओके के ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे हैं, बलोच संपर्क करें तो सोच सकते हैं अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें, सीए लागू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने इस बात पर बात की। उन्होंने कहा कि पाक यानी कि जो पाकिस्तान है अधिकृत कश्मीर को लेकर भी अपनी बड़ी टिप्पणी दी है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया टुडे के एनक्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो सीए है लागू होने के बाद पहली बार इस मामले में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुस्लिम और हिंदू दोनों हमारे अपने हैं, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE बोर्ड कक्षा 10 का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, जो इंतजार अब खत्म हो गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस साल डिवीजन के परसेंट के आधार पर जानकारी आपको बता दें क्या होने वाली है। इस साल में CBSE बोर्ड रिजल्ट में बदलाव होगा। बोर्ड ने अब तक जो न तो डिवीजन को बताएगा और ना ही परसेंटेज को, ना ही बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के नाम की घोषणा करेगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको आज की सारी खबरें, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। और हाँ, इसके प्रति आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी ख्याल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।